वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अपकमिंग फिल्मों के बारे में। एक फिल्म वो है जिसके बारे में अभी कुछ घंटों पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था, जो फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है, जिस फिल्म के थिएटर रिलीज को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जी हाँ, अला वैकुंठपुरम लो के बारे में। और जो दूसरी फिल्म है वो फिल्म है इस साल रिलीज होने जा रही सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ट्रिपल आर की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिपल आर से। तो ट्रिपल आर मेकर्स ने यहां पर आज जो है अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। और पहली बार कहीं पर ऐसा देखने को मिला है कि किसी फिल्म के मेकर ने अपनी फिल्म की दो रिलीज डेट को अनाउंस किया है। जी हां, यहां पर एक नहीं, एक ही साथ दो रिलीज डेट्स को यहां पर अनाउंस किया गया है। जहां पर एक नोट जारी करते हुए मेकर्स ने यह कहा है कि अगर करंट सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों में सुधरती है और ये जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो हटते हैं और सिनेमा हॉल्स जो है पूरी तरह से अपने फुल कैपेसिटी के साथ स्टार्ट होते हैं, यानी कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ अगर स्टार्ट होते हैं, तो जो है हम अपनी फिल्म को 18 मार्च को रिलीज करवाने के लिए तैयार हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि 18 मार्च की डेट वही डेट है जहां पर अक्षय कुमार की फिल्म जो है बच्चन पांडे अपने आप को ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। और इसी 18 मार्च की डेट के साथ उन्होंने एक और डेट जो यहां पर मेंशन की है वो है यहां पर 28 अप्रैल की। उन्होंने कहा है अगर करंट सिचुएशन ठीक हो जाती है तो हम अपनी फिल्म को 18 मार्च को रिलीज करने के लिए तैयार है, अदरवाइज हम 28 अप्रैल को जरूर आएंगे। तो ये जो है उनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिली है। और देखा जाए, अगर आपने न्यूज वगैरह पढ़ी होगी तो कुछ जगहों पर जो है नाइट कर्फ्यू जो है वो हटना स्टार्ट हो चुका है। कुछ जगहों पर जहां पे थिएटर्स बंद हो चुके थे वहां पर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में हालात जो है किस तरह से सुधरते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली और दूसरी अपडेट की तरफ, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही हमने आपने और हर किसी ने एक ही चीज के ऊपर चर्चा की है कि अला वैकुंठपुरम लोक का जो थिएट्रिकल रिलीज था 26 जनवरी को, उसे जो है यहां पर पूरी तरह से रोक दिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, ये फिल्म जो है थिएटर्स में अब नहीं आएगी। तो इस अनाउंसमेंट को करने के बाद गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने ठीक कुछ देर के बाद एक और पोस्ट यहां पर जारी किया है, जहां पर इस पोस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कल जो है इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट जो है हमारे सामने आने वाली है। अब देखते हैं ये अपडेट क्या निकल के आती है, क्या इस फिल्म को अब टीवी और यूट्यूब पर रिलीज करवाया जाता है। तो टीवी और यूट्यूब पर अगर रिलीज होती है, वैसे मुझे पता नहीं, अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, मैं सीधा वीडियो बनाने बैठा हूं, तो अगर हो जाती है तो क्या अगर थिएटर में होती तो ज्यादा लोग तक जाती और टीवी और यूट्यूब पर होगी तो कम लोग तक पहुंचेगी। इसके पीछे कोई लॉजिक जो है वो तो मुझे समझ आता नहीं है, क्योंकि थिएटर में तो भले ही अभी करते तो काफी जगहों पर तो थिएटर अभी भी बंद है, पर टीवी और यूट्यूब पर तो हर कोई देखेगा। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट कल हमें देखने को मिलती है। इस अनाउंसमेंट के बारे में मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं मिला है। रात तक कुछ पता चलता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरफ से परमिशन मुझे मिलेगी इस चीज को अनाउंस करने की। तो देखते हैं कल ये जो अनाउंसमेंट निकल के आती है क्या होती है। वैसे आपकी क्या उम्मीदें हैं अनाउंसमेंट से रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।